आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब खुश होंगे। दोस्तों, आज का विषय है आपके जीवन में कुछ नया होगा। वचन देखेंगे उत्पत्ति 1:23। साँझ हुई फिर भोर हुआ। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह के प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है। दोस्तों, हर साँझ के बाद भोर होता है। हो सकता है आप लंबे समय से नाना प्रकार के रोगों से संघर्ष कर रहे हो सकता है आपकी आर्थिक हालत ठीक नहीं हो। ये भी हो सकता है कि आप कोई अपना लंबे समय से आपसे दूर हो और आप उससे मिलना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आपके अपनों ने आपसे मुंह मोड़ लिया हो। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके जीवन में सब मार्ग बंद हो चुके हैं और आपको ऐसा लगता हो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। हो सकता है डॉक्टर ने आपको कहा हो अब आपका अंत निकट है, अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, हर सांस के बाद भोर होता है। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वो आपके रोगों को चंगा कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप उनके वचनों पर विश्वास कीजिए। वो आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो आपके लिए असंभव कार्य को संभव करना चाहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करते हैं, इसलिए उन पर विश्वास कीजिए और असंभव कार्य को अपने जीवन से संभव होते हुए देखिए। आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।